Hello students, we are going to start AP 3.3. अब इसमें 3.3 में हम लोग क्या देखेंगे कि बहुत सारे नंबर्स हमारे पास है. अगर बहुत सारे नंबर्स को मैं ऐड कर दूं, जैसे 1 to 10, तो 10 नंबर से वी कैन ऐड इजीली. जैसे 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6 + 4 = 10, + 5 = 15, + 6 = 21, + 7 = 8 = 36 + 9 = 45 = 55. ओके, लेकिन सपोज हमारे पास 100 में नंबर्स 1 to 100, तो 1 to 100 नंबर्स को हम लोग कैसे कर सकते हैं? 1 to 100 नंबर्स को हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, उसका आंसर में आएगा, लेकिन उसे लॉन्ग प्रोसेस में. लॉन्ग प्रोसेस मतलब क्या? 1 को 2 में प्लस करो, फिर 3 में, मतलब ईच एंड एवरी सम को में क्या, एवरी नंबर्स को उसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. तो इसलिए एपी में एक फॉर्मूला होता है, एंड दैट इज एस एन, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इनटू ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d. तुम्हारे पास कितने भी नंबर्स में दो, हजारों में नंबर होने दो, 2 मिनट में तुम लोग उसको क्या कर सकते हो? उसका सम फाइंड कर सकते हो by this formula which sn is equal to n upon 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. Okay, so let's start. 3.3, first term is, first term and common difference of an AP are 6 and 3. Respectively, find S27. अब इसमें AP है, जिसका first term है 6 और जिसके बीच में difference है 3. अब इसमें ऐसे अगर तुम लोग को जरूरी होता है, तुम्हारे पास A होना चाहिए, तुम्हारे पास B होना चाहिए और तुम्हारे पास N होना चाहिए. N is equal to what? ये तीन चीजें अगर तुम्हारे पास है तो तुम AP solve कर सकते हो, मतलब sum ऐसे कर सकते हो. तो इसमें क्या होता है, एक AP है जिसमें फर्स्ट टर्म है 6, a is equal to 6, d is equal to 3. तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ 27 नंबर्स. क्या फाइंड करना है? सम ऑफ 27 नंबर्स. इट इज लाइक एक्टिव एक्टिविटीज sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. दिस आर फार्मूला. उसके बाद अब देखो यहां पे 2a 27 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, यहां पे डायरेक्ट 12 लिखा है, एक स्टेप यहां पे मिस है. वो कौन से कि 2 और a का यहां पे बैलेंस ने प्लॉट किया, तो बुक में क्या लिखा है? 12 है. क्यों? 2 into a is equal to 6 है, तो 2 6 का 12 प्लस n minus 1 27 minus 1 into 3. ओके, 12 प्लस 29 27 minus 1 26 26 6 into 3 78 78 plus 12 is equal to 9. यहाँ पे डेट 90 कैसे आया? 12 plus 26 into 3 78. Then 78 plus 12 is equal to 9. Right? Then again 2 4 the 8, 2 5 the 10. 2 से 90 को डिवाइड का आंसर क्या आया? 45. And then 27 into 45 आंसर is 1250. आया समझ में? सिंपल है. तुम्हारे पास a है, b है, n है, तो तुम sn फाइंड कर सकते हो इजीली. लाइक दिस मेथड कैलकुलेशन ठीक से होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर. क्या दिया यहां पे? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स. इसमें हम लोग को पता है कितने नंबर्स है, 123, और कौन से नंबर है? इवन नेचुरल नंबर. द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम कहां से आते हैं? फ्रॉम 2, 4, 6. कहां से स्टार्ट करेंगे? नंबर्स आर 2, 4, 6, 8 ऐसे कितने नंबर हमारे पास? 1. दे आर फ्रॉम एपी विद डिस्टेंस 2. इवन नंबर ना, तो इवन नंबर के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? 2 का डिस्टेंस है. वैसे ऑड नंबर के बीच में डिस्टेंस 2 का ही होता है. तो ऑड और इवन नंबर्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? 2 का डिस्टेंस होता है. तो ये अगर एपी फॉर्म हुआ 2, 4, 6, 8, तो उसमें डिस्टेंस क्या आएगा? 2. नाउ व्हाट इज ए? फर्स्ट टर्म इज 2. व्हाट इज डी? सेकंड टर्म इज 2. एंड व्हाट इज एन? 123. कितने नंबर्स है हमारे पास? 123. सो व्हाट इज फॉर्मूला? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a plus n minus 1 into d. What is n? 123 divided by 2. 2 plus what is a? 2. 2a plus 23 minus 1 into 2.
2 to the 4 plus 123 minus 1, 122. 122 into 2, 244. Now, 23 divided by 2 into 4 plus 244. 4 plus 244, 248. दोनों को प्लस करके आंसर क्या है 248. फिर यहाँ पे 26 को डिवाइड किया 2 1 द 2 2 2 द 4 एंड 2 4 द 8. तो 8 में बचा क्या 123 into 124. 123 into 124 इनको मल्टीप्लाई किया एंड आंसर इज 15252. मतलब पहले 123 इवन नंबर्स जो है फ्रॉम 2 से लेकर जो भी ओके तो सारे जो 123 इवन नंबर्स है उनको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है 15252. सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नंबर्स इज 15252. ओके समझ में. तो इस तरह से हम लोग करते हैं कितने भी नंबर्स हो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते इसको ऐड कर सकते हैं और उसका जो आंसर हो आंसर हम यहां पे लिख सकते हैं. बट राइट सबको ऐड कर दे तो आंसर क्या आएगा 30,450.
Thus, the sum of even natural numbers between 1 to 350 is 30,450. हाय सर, मैं पहले क्या करूं, मैं टी एन इसमें एन फाइंड किया और एन फाइंड करने के बाद एस एन का फॉर्मूला यूज करके हमने क्या किया, एस एन फाइंड किया। Answer 504. Okay, write down.